नमस्कार साथियों, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर स्वयं पाठी विद्यार्थियों हेतु परीक्षा 2024 बीएड एवं एमएड पूर्वार्ध उत्तरार्ध परीक्षा 2024 नियमित एवं पूर्व विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। स्टूडेंट कॉर्नर दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। नोटिफिकेशन नंबर 6 रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म 2024। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके निम्न प्रकार देखा जा सकता है। अधिसूचना संख्या 6 परीक्षा आवेदन 2024 स्नातक बीए प्रथम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर एमए एमकॉम एमएससी गणित प्रथम सेमेस्टर नेप 2020 के ऐसे समस्त विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2023 से 2024 में आयोजित होने वाली परीक्षा में स्वयं पाठी यानी नॉन कॉलेजिएट प्राइवेट छात्र के रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं, ऐसे समस्त अभ्यर्थी से परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन दिनांक 18 जनवरी 2024 से आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 तक रहेगी। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है प्रथम सेमेस्टर के चाहे स्नातक हो चाहे स्नातकोत्तर हो, सेम पार्टी जो छात्र हैं 18 जनवरी 2024 से लेकर 29 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बीएड टू ईयर पार्ट वन सेकंड एमएड पूर्वार्ध उत्तरार्ध परीक्षा 2024 के नियमित एवं पूर्व विद्यार्थियों से परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन दिनांक 18 जनवरी 2024 से आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 तक रहेगी। तो यहाँ पर बीएड और एमएड जो पाठ्यक्रम है उनके लिए भी ऑनलाइन आवेदन की जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन 18 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो चुके हैं और अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 रहने वाली है। परीक्षा आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में दिनांक 31 जनवरी 2024 तक जमा कराना अनिवार्य है। तो आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी है 31 जनवरी 2024 तक हम संबंधित जो महाविद्यालय है वहां पर जमा करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा आवेदन करने से पूर्व एबीसी जो आईडी है पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण की विस्तृत जानकारी हेतु अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करें। एबीसी आईडी किस प्रकार जनरेट कर सकते हैं इसके संदर्भ में भी हमने पूर्व में विस्तारपूर्वक वीडियोज़ बनाए हैं, जिनको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी एक वीडियो पिन कर दिया गया है, जिसकी सहायता से आप एबीसी आईडी आसानी से बना सकते हैं। बिना एबीसी आईडी के हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो समस्त अभ्यर्थियों को यहाँ पर एबीसी आईडी जनरेट करना आवश्यक होगा। अब बात करेंगे हम ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टूडेंट कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा। इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते हम एमएलयूसी की जो एग्जामिनेशन पोर्टल है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड और एमएड के बारे में। तो यहाँ पर लिंक दिया गया क्लिक हियर फॉर रेगुलर एनुअल डिप्लोमा एग्जामिनेशन फॉर्म का और एक्स एनुअल डिप्लोमा एग्जामिनेशन फॉर्म का। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। बीएड टू ईयर एमएड टू ईयर फर्स्ट ईयर
सेकेंड ईयर, प्रीवियस और फाइनल। सेशन 2023 से 2024, लास्ट डेट है 29 जनवरी 2024। क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, जिस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें आवेदन करना है उसके सामने क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा। इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सभी छात्र छात्राएं जिनके पास रोल नंबर उपलब्ध है कृपया इस लिंक से फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं हमारे सामने एक विंडो ओपन होगा जिसमें हम रोल नंबर फीड करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। सभी छात्र हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और फर्स्ट प्रीवियस ईयर छात्र छात्राएं जिन इस लिंक से अपना जो रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पर हमें ABC ID फिल करनी है। ABC ID फिल करने के पश्चात हम आसानी से जो फॉर्म है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स एनुअल का लिंक मिलेगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं यहाँ पर 29 जनवरी 2024 जो लास्ट डेट है निर्धारित की गई है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर। क्लिक करके हम आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके पास रोल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्टूडेंट का। क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और रोल नंबर का ऑप्शन है, रोल नंबर फिल करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करके हम आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम सहपाठी विद्यार्थियों के लिए। तो क्लिक हियर फॉर NC प्राइवेट सेमेस्टर NEP एग्जामिनेशन फॉर्म, दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हम पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ BA, MA इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जनरोलॉजी, प्राकृतिक इन फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजधानी, राजस्थानी, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू, MCOM BBE, MCOM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और MSc मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हैं, आवेदन में आमंत्रित किए गए हैं, लास्ट डेट है 29 जनवरी 2024। क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर हम कैंडिडेट लॉगिन को देख सकते हैं, नॉन कॉलेज स्टूडेंट यानी सहपाठी विद्यार्थी जिनके पास रोल नंबर उपलब्ध है कृपया इस लिंक से फॉर्म भरें। सभी छात्र हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड है वे इस यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म फिल करेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट या प्रीवियस ईयर छात्र लिंक से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के पश्चात हमें पासवर्ड मिलेंगे, यूज़र आईडी मिलेगी, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है ABC ID का, वेरीफाई योर ABC ID। तो ABC ID बनाएं और ABC ID को यहाँ पर हम फिल करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम एक ABC ID यहाँ पर फिल करते हैं। अब इसे हमें वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर हमें कंफर्म करना है, आर यू श्योर टू द कंफर्मेशन, ओके पर क्लिक करेंगे। और इस पर इस तरह से हमारा जो नाम है जो हमने ABC ID में दर्ज किया था जो डिजी लॉकर में उपलब्ध है वो नाम आ जाएगा, यहाँ पर जेंडर आ जाएगा और DOB आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें अपना जो हिंदी में नाम है वो लिखना है। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर दिया गया कि किस प्रकार हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं।
यूज्ड योर मार्कशीट एंड डिग्री। तो हमें सबसे पहले अपना जो नाम है वो हिंदी में दर्ज करना अनिवार्य है। यहाँ पर हम दर्ज करेंगे हिंदी में। नाम लिखने के लिए हमें जो गूगल ट्रांसलेटर है उसका उपयोग करना है। तो यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे अंग्रेजी में। इस तरह से यहाँ हमें जो नाम है वो मिल जाएगा। यहाँ से हमें कॉपी करनी है और कॉपी करने के पश्चात हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हम अपना जो नाम है वो हिंदी में लिख सकते हैं। यहाँ पर फादर्स नेम लिखेंगे। इसके पश्चात मदर्स नेम लिखेंगे। यहाँ पर माइनॉरिटी लिखी जाएगी, यदि माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक होने की स्थिति में यस अथवा नो। यहाँ पर हम स्टूडेंट कैटेगरी लिखेंगे। यहाँ जनरल, अदर, शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो हम यहाँ पर फिल करेंगे इसको। ये मैंने डेमो के लिए यहाँ पर रखा है। यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है और यहाँ डोमिशियल जो मूल निवास स्थान है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करें। नेशनलिटी इंडियन या अदर। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, यदि विकलांग होने की स्थिति में यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर खाली छोड़ना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है। इसके पश्चात कैंडिडेट एग्ज़ाम डिटेल यहाँ आपको फिल करनी है, जैसे डिग्री टाइप्स, यूजी, पीजी, डिप्लोमा। तो हम यहाँ पर पीजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप पीजी को सेलेक्ट करें। यूजी के लिए अगर आप फिल कर रहे हैं तो यूजी को सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको कैटेगरी नॉन कॉलेजिएट, डिग्री कौन सी है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें हिंदी आर्ट्स के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर सेलेक्ट करेंगे, एमए हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर, मीडियम हिंदी या इंग्लिश, जो भी करंट सेशन 2023 से 2024। कॉलेज नेम सेलेक्ट करेंगे, जिस कॉलेज में हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा कराएंगे, तो यहाँ से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल, बीए, यूजी, अदर, यादर, पीजी, तो हम यहाँ से यूजी अदर कर लेंगे। अगर बीए है तो आपको बीए सेलेक्ट करना है। बोर्ड कौन सा, एमएलएचयू राजस्थान स्टेट यूनिवर्सिटी या अदर, एमएलएचयू राजस्थान स्टेट यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से यहाँ कॉलेज का नाम हमें लिखना है। यहाँ आप अपना कॉलेज का नाम लिखें, लिखना अनिवार्य है। इसके पश्चात पासिंग ईयर कौन सा है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके पश्चात रोल नंबर फिल करना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ऑप्टेन मार्क्स कितने हैं और परसेंटेज कितना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो विद्यार्थी पूर्व में एमएलएसयू से पंजीकृत रहे हैं और उसके उपरांत किसी अन्य विश्वविद्यालय से अध्ययन किया है, तो ऐसे परीक्षार्थियों को नामांकन के लिए पुनः आवेदन करना होगा। इनरोल्ड है तो यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। इनरोल नंबर आपको फिल करना होगा, ट्वेल्थ का इनरोलमेंट नंबर न डालें। क्या आप पूर्व में एमएलएसयू में इनरोल्ड है, तो यहाँ टिक लगा सकते हैं। टेंथ के मार्कशीट फिल करना है, एसआर नंबर और पासिंग ईयर। इसके पश्चात रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कम्प्लीटली सक्सेसफुल। आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी और पासवर्ड मिलेंगे और इसके पश्चात आपको क्लिक हियर टू लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक हियर टू लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एबीसी आईडी और जो आपका आधार नंबर है वो अनिवार्य किया गया है, अतः दोनों को भरने के पश्चात ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर आसानी से जो है अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, क्लिक हियर टू लॉग इन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम आप रजिस्ट्रेशन की जो आईडी है उसको अपने पास एक पेपर में नोट कर लें, क्योंकि कई बार ईमेल पर यह हमारे पास प्राप्त नहीं होती है, तो आपको यहीं से इसको नोट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर हम पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड लिखेंगे यहाँ पर हम, इसके पश्चात हमें लॉगिन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। छात्र छात्राएं अपना नाम हिंदी में अनिवार्य रूप से भरें, अन्यथा आपका परीक्षा फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, तो इसका हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें अपना कैंडिडेट नेम लिखना है, इसके पश्चात हिंदी में लिखना है, मदर फादर जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिलेगी। जिस पाठ्यक्रम के लिए हमने आवेदन किया है वो भी हमें यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और अपडेट भी किया जा सकता है। टेंथ में कितने मार्क्स हैं एंड कितने मार्क्स आपने अचीव किया है वो भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर हम अंदाज से जो है मार्क्स यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ आपको परसेंटेज शो होगी, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना सीबीएसई आरबीसी बोर्ड। यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ पर्सनल जो डिटेल्स है वो हमें फिल करनी है। यहाँ से हमें अपडेट करना है सक्सेसफुली और यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके दिए हुए इसी मोबाइल नंबर पर भविष्य में संपर्क किया जाएगा, इसलिए कृपया वैध मोबाइल नंबर दर्ज करें। गलत मोबाइल नंबर देने से आपकी परीक्षा की जानकारी आपको नहीं मिली तो विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। अब आपको यहाँ क्या करना है, अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके पश्चात गार्जियंस के मोबाइल नंबर हैं तो वो भी आपको यहाँ पर फिल करने हैं। डिस्ट्रिक्ट का चयन कर सकते हैं यहाँ से हम। ईमेल एड्रेस फिल करें, इसके पश्चात पिन कोड नंबर। सहमत होने की स्थिति में यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपडेट भी कर सकते हैं हम यहाँ से। यहाँ से अपडेट करना है। रिकॉर्ड सक्सेसफुली और यहाँ पर नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने हैं, जैसे टेंथ क्लास की मार्कशीट, यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। जिन परीक्षार्थियों के पास पीए सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो सेम प्रमाणित प्रार्थना पत्र अपलोड करें। तो यहाँ पर सेम के द्वारा जो प्रमाणित है वो प्रार्थना पत्र यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखा जा सकता है। टेंथ की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कास्ट सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट यदि है तो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यहाँ आपको अपलोड करना है। यहाँ पर इसकी स्थिति आपको मिल जाएगी। इसके पश्चात आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, जेपीजी, पीएनजी, पीएमपी फाइल सपोर्ट, अपलोड पासपोर्ट आकार की जो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, 100 KB तक की जो फाइल है हम अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हस्ताक्षर अपलोड करने हैं और यहाँ पर अपडेट पर हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट डिटेल, एग्जामिनेशन फॉर्म डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर जैसे हम जाएंगे, जैसे यहाँ
नाम मिलेगा, यहाँ पर पेपर कोड मिलेंगे हमें, कैलकुलेट फीस मिलेगी, थ्योरी के कितने पेपर हैं, जैसे यहाँ पर आपको पेपर मिलेंगे, कैलकुलेट फीस को हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं। छात्र द्वारा सफलतापूर्वक भुगतान के पश्चात चालान का प्रिंट आउट लेना है और छात्र को संबंधित कॉलेज या एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ इस चालान का प्रिंट आउट जमा कराना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं फीस को। यहाँ में कंप्लीट जो डिटेल है वो करनी होगी, इसके पश्चात जो फीस है वो आप यहाँ जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म डिटेल मिलेगी हमें, यहाँ से हमें कैलकुलेट फी पर क्लिक करके यहाँ पर हमें एक लिंक मिल जाएगा जिसकी सहायता से हम जो है फॉर्म जमा करा सकते हैं। कंप्लीट फॉर्म का प्रिंट लेकर हमें संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के पश्चात आपको यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन मिलेगा, इस लॉगआउट पर हमें क्लिक करना है, क्लिक किया टू लॉगिन बैक। इस तरह से आप अपने फॉर्म से बाहर हो सकते हैं। दोबारा लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमें पासवर्ड मिल चुका है तो हम यहाँ से क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करके हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से अपना जो फॉर्म है फिल कर सकते हैं और संबंधित जो महाविद्यालय वहाँ पर जमा करा सकते हैं। फीस जमा कराने के पश्चात ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूर्ण रूप से आपके सामने आ जाएगा, जिसका आपको प्रिंट लेना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके संदर्भ में हमने यहाँ जानकारी ली। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित किसी भी प्रश्न की स्थिति में आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।